भजन सदगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी सुरेंद्र इंसान कोटा से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी राम मेहर जी इंसान उत्तर प्रदेश से भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग में आकर कर ले विचार, सत्संग में आकर कर ले विचार। नाम से होगा रूह का उतार, नहीं सच बिना नाम के, नहीं सच बिना नाम के। बताए आत्मा का नाम है सच्चा आहार, आत्मा का नाम है सच्चा आहार। नहीं सच बिना नाम के, नहीं सच बिना नाम के। सतगुरु जी की प्यारी सत्संग जी, पूज्य हजूर पिताजी द्वारा ये जो अनमोल प्रेम निशानियां दी जा रही हैं, ये किसी से भी किसी किस्म का पैसा दान चढ़ावा या चंदा आदि इकट्ठा करके नहीं दी जाती। ये तो पूज्य हजूर पिताजी व सतब्रह्मचारी सेवादारों की नेक और मेहनत कमाई में से दी जाती है, और ये कोई दिखावा भी नहीं है जी। ये सेवादार सतगुरु जी की प्रेरणा अनुसार सत्संगत को पानी पिलाना, लंगर बनाना, लंगर खिलाना, छायावान लगाना, खेती बाड़ी आदि कार्यों में सहयोग करना, और इसके अतिरिक्त अपने अपने इलाकों में गरीब जरूरतमंदों की संभव सहायता करना इत्यादि मानवता भलाई के कार्य करते हैं। जब जैसे जिसकी सेवा होती है, ये दातें उसी हिसाब से ही सेवादारों को दी जाती हैं। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। रूहानी है सच्चा कॉलेज, असलियत की यहाँ मिल रही है नॉलेज। असली सबक पढ़ाया जाता, सच्चा नाम जपाया है जाता। नाम करे
भव से पार, नाम अरे बेड़ा भव से पार, नहीं सच बिना नाम के, नहीं सच बिना नाम के। सतगुरु तेरे ही आसरा। खुशबू को लेकर गुलाब खिलता है, हर एक पत्ता इशारे से तेरे हिलता है। तेरी खुशबू को लेकर गुलाब खिलता है, हर एक पत्ता इशारे से तेरे हिलता है। और ये कायनात की हर चीज तेरे दम से है, के जल जल में तेरा ही नूर मिलता है। नजर में जमाल है किसका नहीं जवाब कोई वो सवाल है तू, और यही मिसाल है तेरी के बेमिसाल है तू, यही मिसाल है तेरी के बेमिसाल है तू। तेरा कमाल ही दुनिया के हर कमाल में है, और ये शान तेरी के हर शान में कमाल है तू। तेरा कमाल तो दुनिया के हर कमाल में है, और ये शान तेरी के हर शान में कमाल है तू। नजर में जमाल है, अदा में कमाल है, नजर में जमाल है, अदा में कमाल है। ओ नजर में जमाल है, अदा में कमाल है, नजर में जमाल है, अदा में कमाल है। ओ नजर में जमाल है, हो नजर में जमाल है, और अदा में कमाल।
कमाल है, कसम मेरे रब की मेरा पीर बेमिसाल, ओ कसम मेरे रब की मेरा पीर बेमिसाल है, पीर बेमिसाल, पीर बेमिसाल, पीर बेमिसाल, पीर बेमिसाल, कसम मेरे रब की मेरा पीर बेमिसाल है, कसम मेरे रब की मेरा पीर बेमिसाल है। बैठे बिठाए मैंने जन्नत खरीद ली, सब कुछ लुटा के पीर की उल्फत खरीद ली, सब कुछ लुटा के पीर की उल्फत खरीद ली, सब कुछ लुटा के पीर की उल्फत खरीद ली, ये कह के सर पे हाथ रखा मेरे पीर ने, ये कह के सर पे हाथ रखा मेरे पीर ने, तूने अर्श पीर से कुदरत खरीद ली, मेरा पीर बेमिसाल, मेरा पीर बेमिसाल, मेरा पीर बेमिसाल, मेरा पीर बेमिसाल, कसम मेरे रब की मेरा पीर बेमिसाल है, कसम मेरे रब की मेरा पीर बेमिसाल है। तेरा ख्याल आया मेरी बात बन गई, दिल में तुझे समाया मेरी बात बन गई, दिल में तुझे समाया मेरी बात बन गई, दिल में तुझे समाया मेरी बात बन गई, कुर्बान जाऊं शान करीमी पे मैं तेरी, कुर्बान जाऊं शान करीमी पे मैं तेरी, मुँह से भी कह न पाया मेरी बात बन गई, मेरा पीर बेमिसाल, मेरा पीर बेमिसाल, मेरा पीर बेमिसाल, मेरा पीर बेमिसाल, कसम मेरे रब की मेरा पीर बेमिसाल, मेरे हूर पाक की निस्बत हड़ी थे, सुल्तान सिलसिले की नियामत है बड़ी थी, सुल्तान सिलसिले की नियामत है बड़ी थी, सुल्तान सिलसिले की नियामत है बड़ी थी, मैं सरफराज पीर के कुर्बान जाऊंगा, मैं सरफराज पीर के कुर्बान जाऊंगा, वल्लाह मेरे रब के खिलावत है बड़ी थी, मेरा पीर बेमिसाल, मेरा पीर बेमिसाल, मेरा पीर बेमिसाल, मेरा पीर बेमिसाल, पीर बेमिसाल, पीर बेमिसाल, पीर बेमिसाल, पीर बेमिसाल, कसम मेरे रब की मेरा पीर बेमिसाल है, कसम मेरे रब की मेरा पीर बेमिसाल है। तुसी है मेरी नजरी, है आस्तान पीर की नूरानी सरजमी, है आस्तान पीर की नूरानी सरजमी, है आस्तान पीर की नूरानी सरजमी, रोजे अजल से लेके फलक तक नजर गई, रोजे अजल से लेके फलक तक नजर गई, वल्लाह मेरे पीर के नापत कोई नहीं, मेरा पीर बेमिसाल, मेरा पीर बेमिसाल, मेरा पीर बेमिसाल, मेरा पीर बेमिसाल, नजर में जमाल है, अदा में कमाल है, नजर में जमाल है, अदा में कमाल है, ओ नजर में जमाल है, ओ नजर में जमाल है, और अदा में कमाल है, कसम मेरे रब की मेरा पीर बेमिसाल है, कसम मेरे रब की मेरा पीर बेमिसाल, मेरे रब की मेरा पीर बेमिसाल, पीर बेमिसाल, पीर बेमिसाल, पीर बेमिसाल, पीर बेमिसाल, कसम मेरे रब की मेरा पीर बेमिसाल है, कसम मेरे रब की मेरा पीर बेमिसाल। धर्मनाथ सतगुरु।
जी तो प्यारी सत्संग जीओ, बहुत सेवा सेवादारों ने की है और आज वैसे जुम्मेवार तुम ही बताते हैं, हमें संगत के सेवादार ने पर्ची दी कि 3 घंटे में ये देने दो, 3 घंटे में होशंगाबाद की सफाई कर दी गई। तो शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात है। और जो भी आप सेवा के लिए आए, सेवा की है, ये तो फिर मालिक खुशियां देने वाला है। दया का सागर रहमो करम का दाता, कोई कमी नहीं छोड़ता, ना अंदर कमी छोड़े, ना बाहर कमी छोड़े, और ना उनको कमी छोड़े जो आपकी जगह पे घर संभाल रहे हैं, आप सेवा के लिए आते हैं। तो आशीर्वाद सारी सत्संगत को और प्रसाद आपको मिलेगा। कल को सत्संग भी है, जो चाहेंगे सत्संग में जाना, होशंगाबाद में ही सत्संग है, तो उसमें भी। और तो मालिक आप सबको बहुत खुशियां दे, दूर दराज से भी सत्संगति है, आसपास से भी आई है। तो एक भजन आपकी सेवा में अर्ज करते हैं। दंडन सदगुरु तेरा ही आस, नाम खजाने भले, नाम खजाने भले, नाम खजाने भर ले, नाम खजाने भर ले, नाम का सुमरन कर ले, जीवन है 4 दिन का प्रेम सभी देर ले। ओ नाम खजाने भर ले, नाम खजाने भर ले, दुनिया बानी सब बानी, साथ तेरे कोई चीज न जानी, दोद की है ये जिंदगानी, रहा कोई ना राजा रानी, जो कुछ करना कर ले, जो कुछ करना कर ले, नाम खजाने भर ले, नाम खजाने भर ले। बंदे तेरा असली काम बंदे, जब नारी का नाम तू बंदे, अपना काम तू कर ले, अपना काम कर ले, नाम खजाने भर ले, प्यार खजाने भर ले। पूंजी कीमत दिलाया, तेरे लोगी का मोल बताया,
कूड़े सौदे में लगाया सच का कोई ना बणज कमाया सच्चा बणज तू कर ले सच्चा बणज तू कर ले नमक जाने बने नामक जाने ले नाम का सुमरन कर ले जीवन है चार दिन का प्रेम सभी से कर ले ओ नामक जाने भर ले प्रेम जाने भर ले करता क्यों नहीं भाई और है कभी बचाते नहीं शोर लूट रहे तुझे शाम बोर है बचने का साधन कर ले बचने का साधन कर ले नाम गजाने पर नाम जाने पर ले राम नाम का धन जो कमाए डूब सके ना अग्न जलाए चोर इसे ना कभी चुराए अंत समय साथ है जाए नाश करे ना पर ले नाश करे ना पर ले नाम गजाने भर ले नाम गजाने भर ले गाना माली को घर जाए पाना सब जीवों से प्रेम कमाना दुख सभी का हर ले दुख सभी का हर ले नमक जाने भर नमक जाने भर ले सब आपस में भाई भाई कई शस्त्र न करो लाई प्रेम सगर में तर ले प्रेम सगर में तर ले प्रेम गजाने भरले नाम गजाने भरले सेवा गजाने भरले सेवा के गजाने भरले नाम का मनन कर ले जीवन है चार दिन का प्रेम सभी कर ले ओ सेवक जन बने नामक जाने पर ले
जी बैठ जाएं बेटा। जी प्यारे सत्संग जियों, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। देशों से भी सफाई के महाअभियान हिस्सा लेने के लिए सेवादार आए हैं। गुरुदेव इंसान सरी बी सी कैनेट खड़े हो जाएं जी। सूरज भान इंसान सात मेंबर करामा सिटी यूएई। मोना वेनितु इंसान एप्सफोर्ड कैनेडा। जी तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, जो भी सेवा पे चल के आए हैं मालिक बेहद खुशियां बख्शे, दिया में रहमत से नवाजे, बहुत बहुत आशीर्वाद। बैठ जाएं, प्रसाद ले लीजिएगा। सेवा करना कोई मामूली कार्य नहीं है। शोर ना करो बहनों, बच्चों बोलो ना, शोर करें भाई। कोई भी सेवादार बहन भाई बैठे सत्संग में बातें नहीं करते होते, तो सेवा अरुत्तम धंधा है। कोई भाग्यशाली जी ऊंचे भाग्य हैं जिन पे कृपा राम की, वो चल सत्संग आए, और जो सत्संग आए सुने अमल करे वो ही सेवा कमाए। आज यह नौबत है, इंसान पानी का गिलास खुद पीना नहीं चाहता, और फिर सेवा करना ये कोई मामूली का नहीं, परहित के लिए, परमार्थ के लिए। दूसरों की गंदगी उठाने में लोग पैसा लेते हैं, नौकरियां लगी हुई हैं उनकी, लेकिन धन्य माँ बाप हैं परिवार जिनके बच्चे मानवता की सेवा के लिए किसी से कोई पैसे बल्कि अपने जेब से खर्चा करके किराया भरते हैं, सेवा करने आते हैं, खाने पीने इंतजाम करते हैं। पर जो सच्चे दिल से सेवा करने आते हैं, भावना से वचनों पर रहते हैं, तो मन भी फिर इतना देते हैं, इतना देते हैं कि दामन झोलियां छोटी जाती हैं और कृपा परस्ती चली जाती है, बरसती चली जाती है। तो जो भी सेवा करे और साथ में कहीं राम नाम का सुमन कर ले तो सोने पे सुहागा, किसी चीज की कोई कमी ना रहे। वचनों पे रहो, जब आप वचनों पे नहीं रहते तो मालिक इतना रहमत तो झोली में पड़ती है। जैसे झोली में कोई सामान डाल दें और नीचे से झोली अगर फट जाए तो वो सारी दिया में रहमत आती जाती चली जाती, आती जाती चली जाती। तो इसलिए वचनों पे रहो, वचनों पे के जो सेवा से किया करते हैं मालिक अंदर बाहर कोई कमी नहीं पड़ा करते। तो अति जरूरी है वचनों पे अमल करना। वचन मानो, वचनों पे चलो। तीन परहेज जो आपके लिए बताए थे कि नशा ना करो, आसंडा ना खाएं, हराम खोरी ना करो, तो ये तीन वचन सच्चे दिल से जो निभाता है, सेवा से करता है, उसे किस तरह की कोई भी कमी ना तो अंदर आएगी ना बाहर आएगी। और ये आपको मालूम है सेवा पे जैसे जैसे आप आते जाते, जी एक बार आए हैं दुगनी चौगनी खुशियां, और अगली बार उससे दुगनी चौगनी खुशियां। तो भाई नाम खजाने भर ले, नाम का सुमरण कर ले, राम नाम बना, साथ में परमार्थ करना, यही मालिक के प्यारे सच्चे योद्धाओं का काम होता है। शूर बहादुर हैं वो लोग जो तन मन धन से दीन दुखियों की मदद किया करते हैं और राम का नाम जा करते हैं। अल्लाह वाहिगुरु गौ खुदा रब को हमेशा याद रखते हैं। इस घोर कलयुग में बड़ा ही मुश्किल है इन सब का तालमेल बिठाना। सेवा है तो सुमरण नहीं, सुमरण है तो सेवा नहीं, और सेवा सुमरण दो हैं तो दृढ़ यकीन नहीं, और दृढ़ यकीन है तो सब कुछ ही है। दृढ़ यकीन आना बड़ा जरूरी है। रूहानियत में पहली पौड़ी, पहली सीढ़ी, पहला कदम दृढ़ यकीन है। इंसान का यकीन जब पारे की तरह डोलता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो उसको रूहानी की खुशियां नहीं मिलती। और जो दृढ़ यकीन कर लेते हैं तो उन्हें पल पल में मालिक के नजारे नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो रूहानियत में सबसे ऊंचा रुतबा दृढ़ यकीन वाले का है। दृढ़ विश्वास, दृढ़ यकीन जिन्हें होता है
वो मालिक की दया में रहम लुटा करते हैं। इसलिए आप यकीन रखिए, मालिक पे दृढ़ विश्वास रखो, मन से रहो, कामसना क्रोध लो मोह अहंकार के लगाम डाल के रखो, क्योंकि ये पांच और इनके हेड मन और माया, ये सातों मिलके आदमी की खुशियों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। आपको जो आत्मिक शांति आना चाहिए, आप जो परमानंद आना चाहिए, वो इसी वजह कि सातों जब छा जाते हैं तो वो सारी खुशियां चल जाती हैं। करी कराई इस खाक में मिल जाया करती है, सेवा का मेवा उन्हें ही मिला करता है जो सच्चे दिल से भाव से सेवा करते हैं। एक कहावत है कि बकरी दूध देती है मेंगनी घोल की, दूध भी दे दिया उसमें मेंगनी भी दी, अब देखिए कौन पिएगा, नहीं पता चला तो पी लिया। कई लोग ऐसा ही होते हैं, तन मन धन से सेवा तो करते हैं पर मेंगनी जरूर घोल देते हैं मन की, ओहो यार ये हो गया, चलो यार चलेंगे यार, चलो जाना ही पड़ेगा, बड़ा मुश्किल हो गया, तो उसे वो फल नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। फल तो मिलेगा, सेवा पे आया संग पे आया, कमी तो नहीं रहेगी, लेकिन अंदर बाहर से माला माल वही होंगे जो खुशी खुशी सेवा सुमन सत्संग पे आते हैं। एक और कहावत है कि डॉग जो होते हैं शिकारी, शिकारी कुत्ते जो होते हैं उन्हें लगाना नहीं पड़ता शिकार के पीछे, ये नहीं कहना पड़ता, एक कहावत है, उनको ये नहीं कहना पड़ता कि लग या पकड़ पकड़, नहीं, वो शिकार देखा और झट से पकड़ लिया करते हैं। तो सच्चे मुरीद सच्चे सेवादार वही होते हैं, सेवा देखी कहलवाना ही पड़े, झट से सेवा में यानी सेवा को उड़ीकते रहते हैं, तो मग भी फिर उनको हमेशा उड़ीकते रहते हैं कि आ भाई तेरी झोली में खुशियों से तुझे लवरेज कर दें, तुझे माला माल कर दें, अंदर बाहर से तुझे भर दें। तो सेवा अति उत्तम धंधा है, पर सुमरन के बिना मन कभी रुका नहीं करता। बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े बड़े फकीर हुए, जब तक सुन नहीं किया मन काबू नहीं होता, मन का कोई भरोसा नहीं, कब कहीं ले जाए, ख्यालों द्वारा विचारों के द्वारा ये बड़ी ऊंची उड़ान भरता है, और मन की स्पीड बड़ी तेज, हवा प्रकाश आवाज जो भी आप मानते कि त्रिगति के हैं, इन सबसे तेज मन की गति, इसको तो एक ही गति रोक सकती है, और वो गति है आत्मा की गति, सोल पावर, विल पावर, आत्मविश्वास। आत्मबल जगा लोगे, आत्मबल में शक्ति है, आत्मा में ये स्पीड है कि वो आपके मन की स्पीड को काट के राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड से को मिला देगी और अंदर बार खुशियों से माला माल कर देगी। इसलिए आत्मा की स्पीड बढ़ाओ, आत्मा को बलवान करो, और आत्मा को बलवान करने के लिए आत्मा की खुराक खिलाना अति जरूरी है। जो सेवा करते तन मन धन से, ये तो आत्मा की खुराक है ही है, लेकिन साथ में सुमरण भी करो। सेवा करने बाद किया गया सुमरण बड़ी जल्दी मालिक से मिलाता है, या सेवा के साथ किया गया सुमरण बड़ी खुशी देता है। सेवादार सा करते हैं, कई शब्द बोलते रहते हैं, उनको भी कई गुना खुशियां बढ़ जाती हैं, और सुमरण करते रहते हैं उनको भी खुशियां बढ़ जाती हैं, और वैसे भी सेवा करते कमी तो उन्हें भी नहीं रही, पर जैसा आपको बताया ये प्लस प्लस होते जाते हैं कि सेवा के साथ अगर सुमरण कर लिया, सेवा के साथ साथ शब्दवाणी गाली, तो भगवान जी कमी नहीं छोड़ते। पर दृढ़ यकीन आना अति जरूरी है, दृढ़ यकीन रखो। ये जो आपको मूल मंत्र गुरु मंत्र देते हैं, ये उस मालिक का है जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बनाया, उस भगवान का है। और जब आप उस भगवान का नाम लेते हैं और एक तरफ दूसरा प्रोग्राम भी चलाते रहते हैं, फिर समझ नहीं आता भगवान कैसे खुशियां दें। यानी राष्ट्रपति आपका दोस्त है, सारी दुनिया का बादशाह आप दोस्त है, मित्र है, और फिर भी आप सिपाही के आगे मेहनत तरले कर रहे हैं, कभी थानेदार के पास जाते हैं, कभी तहसीलदार के पास जाते हैं, कभी आप किसी और के पास, जबकि राष्ट्रपति आपका दोस्त हो। जरा सोचिए, अगर आप राष्ट्रपति से सच्ची दोस्ती रखो, बाकी के सब जितने भी नौजाकर उसके अंडर हैं टोटली, तो वो सारे के सारे आपको सलाम करेंगे, आपको सलाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रही बात देवी देवताओं की,
देवी देवता कोई कहता है 33 करोड़ है, कोई कहता है 365 करोड़ है, धर्मों में अलग अलग राय है, पर हम आपको गर्व दिलाते हैं, देवी देवता भी किसी का कोई बुरा नहीं किया थे, कभी किसी का बुरा काम नहीं करते, वो उनकी ड्यूटियां लगी हैं। सेवादारों को आपने देखा होगा, आप सफाई अभियान, कोई पानी पिला रहा था, कोई लंगर लेके आ रहा था, सबकी ड्यूटी है। उसी तरह पूरी सृष्टि में इतनी त्रिलोकियां हैं, सब त्रिलोकियों को संभालने के लिए सारे देवी देवताओं की ड्यूटियां हैं, आपने इस एरिया को संभालना है, ये वो तो वो बुरे करते, आप उनको याद करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर उनको बनाने वाले सुप्रीम पावर ओ हरि अल्लाह गॉड खुदा राम को ही याद कर लो, उसका ही मूल मंत्र कर लो, तो छोटे मोटे देवी देव की याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मालिक खुश हो जाएंगे बाकी देवी देवता है तो अपने आपे खुश होते चले जाए। तो इसलिए उस सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब की भक्ति किया करो, उसकी इबादत किया करो, वो एक ऐसा है जो खुशियों का भंडार है, वो ऐसा है जो दोनों जहां मालिक है, वो ऐसा है जो अंदर बाहर खुशियों से मालामाल कर दिया करता है। तो आप वचन सुनो और अमल करो ताकि मालिक की कृपा दृष्टि के काबिला बन जाएं, नाम का सुमरण नियमानुसार जरूर किया करो। ये घोर कलयुग है, सातों मनो इंद्रिया बने हुए हैं, जितनी भी मनो इंद्रियां, पहले तो ये इंद्रियां आत्मा का साथ दी, जैसे स्वाद जीभा एक इंद्रिय है, स्पर्श को एहसास होता है, सूक्ष्म दिमाग चलता है, आंखें, और ये इंद्रियां कान है, ये सबकी सब आत्मा का साथ देने वाली हैं, लेकिन सुमरण नहीं करते, भक्ति नहीं करते, तो ये मनो इंद्रियां बन जाती हैं। वो चीजें स्पर्श, वो चीजें देना, वो खाना पीना, वो सुनना, वो देखना, वो महसूस करना, आम सी बात है, जो काल की चीजें नेगेटिव है। इसलिए अपने मनो इंद्रियों को आत्मा इंद्री बनाएं और उसके लिए सुमरण करें, भक्ति इबादत करें, क्योंकि आत्मा की खुराक जब आत्मा को खिलाई जाती है तो आत्मा बलवान होती है, तो ये इंद्रियां आत्मा का साथ देना शुरू करती हैं। जैसे कहते हैं ना बाढ़ खेत को खाए, उसी तरह कलयुग में ये इंद्रियां आत्मा का साथ देने वाली थी, लेकिन क्योंकि सारा दिन मन की बातें, सारा दिन सुमरण से दूर, तो ये इंद्रियां आत्मा को ही खा रही हैं, आपके अच्छे कर्म को खा रही हैं। तो इसलिए सुमरण करके इनको सुधारो। राम नाम इंसान जपता है, उसको समझ आ जाती है, तो वो भक्ति इबादत में रहता है, तो ही वो खुशियां हासिल कर पाता है। तो भाई सुमरण करने को जोर नहीं लगता, आप लेट के बैठ काम धंधा करते हो, थोड़ा थोड़ा सुमरण करते रहो, यकीन मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाओगे। भंगीदास का प्रसाद लेना जी, एक भाई खड़े हो जाएं। इंसानियत की सेवा अभियान के फार्म भरने वाले 8 भाई 10 में खड़े हैं, 18 सेवादार। हैदराबाद से आए हैं जी अनुराधा इंसान, खड़े होते जाइए। घर जाने वाले सेवादार 7 से 15 दिन की सेवा यहां भी की, और यहां होशंगाबाद में आश्रम की जगह भी है, वहां सेवा चल रही है। जो भी सेवादार सेवा करना चाहे एक्स्ट्रा, क्योंकि उसकी खुशियां भी वैसे की वैसी हैं, ये भी वचन है कि कोई भी सेवा आश्रम में भी हम चलाते हैं तो वो भी दुगनी चौगनी खुशियां, हर बार हफ्ता लगा के जाएंगे तो हफ्ते की पूरी, जैसे आप आए इतना देर लगाएंगे उतनी, एक दिन दो दिन, वो पूरे दिन की आने का जाने का टाइम बीच में काउंट हो जाता है। और इसी तरह अगर आप हफ्ता 7 दिन लगाते हैं और आने जाने का टाइम, तो उसकी खुशियां भी बढ़ चढ़ के मालिक के पास। तो भाई आप सेवा सुरंग में आगे बढ़े, मालिक दया रहमत से नवाजे, धन्य माँ बाप जिनकी सेवा में आगे आते हैं, सो जोर से नारा लगा के बैठ जाएं आशीर्वाद, और प्रसाद ले लें बाद में। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना में दुआ करके प्रसाद देते हैं। दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा तो वहीं से ले लो, नहीं फायदा तो यहाँ डॉक्टर साहब आए हैं, स्पेशलिस्ट हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल दुनिया का सबसे छोटा लेकिन सबसे बड़ा, जिसमें ऑपरेशन तक हो जाते, गाड़ी भी बना हुआ, तो यहाँ पे आया हुआ है, तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, फ्री में है सब कुछ, और जो आर्थिक तौर पे कमजोर है फ्री में दवा, आयुर्वेदा के वैद्य भी आए। पर प्रसाद लेना जितने बार दवा, पहले आधा घंटा राम का नाम, कैंसर या लाइलाज बीमारी है तो दिन रात मालिक का नाम जो फिर दवा लो। और खाने पीने की अनजाने में गलती हो गई तो बैठे पे नारा लगा दो, मालिक उनको माफ करेंगे।
बाकी तीन वचनों में पता है कि जाते हुए गलती हुई है, तीन परहेजों में, वो जल्दी से खड़े हो जाए। हाँ, इधर उधर मत देखो, जिनसे पहली बार गलती हुई जल्दी कीजिए, और इधर सत्संग वचनों में गलती हुई है जिन्होंने माफी नहीं ली और माफी लेना चाहते हैं, खड़े हो जाओ, खड़े रहो। जैसा आपको बोला, भगवान जी खुशियां देते हैं, और आप सोचते हैं यार गलती का क्या हर है, फिर माफी मिल जाएगी, नहीं। जो खुशियां कमाई होती है, जोड़ी फट जाती, सारी चली जाती थी करने से, दोबारा पेबंद का आप दर्ज की रखेंगे, फिर खुशियां आ जाएंगी। पर अब गलती ना करना, सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद जरूर मालिक माफ करेंगे, बैठ जाइए। बाकी प्रोपकार महाभियान के फार्म इस साइड में भी लगा हुआ है, और इस साइड में शायद पता नहीं उतार दिया, संगत ज्यादा होने की वजह से पता नहीं कहाँ है, है जी, तो लाइट तो लगा देते वहां जी। तो ये हमारे जुबे बाहर क्या कहें जी, तो बढ़िया। तो प्यारा संगत जी, और मालिक आपको खुशियां बख्श, सेवा से उनमें मन लगे, आप फार्म भर सकते हैं, जो भी सेवादार सेवा जब भी करना चाहेंगे, आप अपने घर पर में रहते हुए भी कर सकते हैं। सत्संग में शादी का कार्ड, कपड़े, हार, चाबी, पेन, प्रसाद, छोटा बच्चा और भाई के लिए, अच्छे कामों के लिए आप आशीर्वाद चाहते हैं, सारी साथ संगत वो सामान ऊपर कर लें जिसे आप आशीर्वाद लेने आए। सारी साथ संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं, मालिक खुशियों से नवाजे, आशीर्वाद सामान नीचे कर लीजिए आशीर्वाद। तो जो भी संगत पधारी है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, चियानो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना, उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना सेवा का आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय सज रहना है। वो कागज देना भाई, आपने दिया था, ये भी लिटिल थीफ है जी, ये नहीं भाई, वो ये ला। तो यहां सफाई के महाअभियान में 50,000 सेवादार पहुंचे हैं, नेपाल, होशंगाबाद आने वाली सभी ट्रेनें तो आई, भोपाल आने वाली लगभग सभी फ्लाइट में ज्यादातर सेवादार ही सेवादार थे, कई फ्लाइट में तो 85% सेवादार थे, कई सेवादार अपनी गाड़ियों से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं। स्थानीय हजारों लोगों ने लिखित में प्रण किया है, लिखित का जो आप रिकॉर्ड है एक जगह करते जाए, जुम्मेवार नोट कर ले, तो हम पूछेंगे आप कितने कितने फार्म कहां कहां भरे जा चुके हैं, और साथ में कहीं भी सफाई का महाअभियान होता है तो प्रोपकार महाअभियान, सफाई के महाअभियान के फार्म है, वहां जगह जगह पे लग जाया करें, ताकि जो भरना चाहे वह में आना चाहे वो सेवा में आ सके। तो सभी सेवादारों ने लोगों ने कहा हम भविष्य में कभी गंदगी नहीं फैलाएंगे और अपने आस पड़ोस सफाई रखेंगे। सेवादारों ने लगभग 3.5 घंटे 9 से 12 में होशंगाबाद को साफ कर दिया जी। इस सफाई महाअभियान में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, यूपी, हिमाचल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अलावा दिल्ली, दुबई, कनाडा इत्यादि देश के सेवादारों ने भी आके सेवा की है जी। तो शाबाश बेटा, मालिक बहुत खुश हैं। सरसा की सफाई, सरसा में भी सफाई का महाभियान आज चलाया गया, इसमें श्री सतरमचारी ब्रह्मचारी भाई बहन कल्याण समिति, सुखचैन समिति, शास्त्राम जी नगर, शास्त्राम जी पूरा, एमजी कॉम्प्लेक्स, ट्रियो सोल कॉम्प्लेक्स, स्कूल के बच्चे, डेरे की सभी अन्य समितियों, शासन पंडाल, सचखंडाल का शीश, पेट्रोल पंप, ट्रैफिक ग्राउंड, स्टेडियम, स्कूल, डेरे की सभी सड़कें, सारा डेरा, क्योंकि बहुत बड़ा डेरा है पूरा, आज सारा दिन सेवा करते रहे और इसी महाअभियान में शामिल। आज पूरा दिन चिनाई वाले मिस्त्रियों ने वहां भी सेवा की और यहां भी होशंगाबाद में सेवा की, उनका भी महाअभियान मंजूर कबूल, बल्कि बढ़ के मंजूर कबूल, उन्होंने वहां जो सेवा किया वो भी अलग से मंजूर। सुख की सेवा से उनका फल बख्शे, घरों में खुशियां बख्शे। आपको रास्ते का मालूम नहीं है, यही जुम्मेवार रुकेंगे माइक के पास, आप उनसे रास्ते के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। वैसे तो आपको शायद SMS जो किया था, क्या उसमें आपको रास्ता बता दिया था इनका सभी को जी? तो आगे से बता दिया करेंगे, क्योंकि SMS हुए हैं, आप अपना SMS एड्रेस जरूर दे दिया करें, क्या साथ संगत को वो पता चल गया कि ट्रेन कहां से आएगी, कैसे रुकना है, कैसे उतरना है, और आगे से जुम्मेवार भी नोट कर लें। हर हाल आप ये पहले सूचना दे देनी है साथ के साथ, ताकि साथ संगत इधर उधर भटके ना। तो अब थोड़ा सा समय सजरी, उसके बाद जैसा आपका ख्याल, रहने का ख्याल, तो आश्रम आपका घर है, बहुत बड़ा आश्रम है ये भी, सामने जमीन है, खुली जगह है, आप रह सकते हैं, सेवादार वहां भी गाइड करें। मच्छर थोड़ा है लेकिन इतना पता नहीं ज्यादा है कि नहीं है, कभी लगता है काफी है, कभी लगता नहीं, बाकी आपको मालूम पड़ ही जाएगा लगता नहीं है ऐसा कुछ है इतना ज्यादा,
गर्मी काफी है और आपको आराम के लिए भी सेवादार जितना के इंतजाम, पानी पिलाने का, बाहर रफा हज जाना है, इधर साइड में जंगलात है उन साइडों में इधर मत जाने दिया करें, जगह उधर जगह है तो सड़क से उस साइड में जंगलात है तो आप जा सकते हैं। और वैसे सबसे बढ़िया आपको हम अपना बताते हैं, हजारों सत्संगी हैं पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में, कम से कम सत्संगी हैं यानी अपने भारत में कुछ स्टेट रह गई, हर स्टेट में सत्संगी हैं तीन तीन हर जिले में। तो हम जब जाया करते थे टेंट लगवाते थे, टेंट ये जो ग्रीन कलर का टेंट या कई सदरों के लगा हुआ है, जात में टेंट लगता था, हम अपनी बात सुनाते हैं। तो अब रहना उसमें था, चारपाई होती थी, एक लकड़ी का फट्टा सा रख लेते थे उसमें नहाते थे और एक गड्ढा खोद रहे रफा हाज की थी, कोई भी तीखी सब्बल जो लोहे की छड़ होती है उससे एक गड्ढा खोद लेते थे, रफा हज गए ऊपर माटी डाल दी और जब वहां से रवाना होना होता था हम तो अपने फावड़े से उसको पूरी तरह बंद कर देते थे ताकि गंदगी भी नहीं फैलती। तो आपके लिए एक उदाहरण हम बताना चाहेंगे कि अगर आप ऐसा कर लिया करें, है तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता होगा लेकिन है बड़ा गजब का कि आप कहीं भी रफा जाते हैं तो थोड़ा सा गड्ढा खोद लें बस रफा हज की और उसे बंद, ना बदबू आए और ना फैले गंद, तो मालिक मुस्कुराएगा मंद मंद और खुशियां और मिलेंगी लग जाएंगे चार इंद जी। तो अगर मर्जी है आपकी तो ये एक बेहतरीन तरीका है जिससे कि फैले भी ना और आप किसी से और सेवा ना करें, वरना सुनिए आप ऐसा करके जाते हैं बाद में सेवादार फावड़े से उस पर माटी डालते हैं। अब देखिए आप खुद सोच लीजिए कि आप उनसे ऐसी सेवा करवाते हैं, खुद सेवा करने आते हैं आप, वैसे इसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता होता, आपको कोई इमरजेंसी हो जाती बात अलग है वरना ऐसा कुछ लगता ही है कि थोड़ा सा गड्ढा खोने में आपको देर लगेगी। तो जंगलात में आप ऐसा ये तरीका सबसे बेहतरीन है जो हमने खुद आजमाया था, सेवादारों को बताया। ये अलग बात है हमारे वाले भी जिप्सी बिना इनकी उतरती नहीं, ये भी उस पर बैठ के जाते हैं और फिर वहां ऐसा करते नहीं होंगे ये खास खास, लेकिन हम किया करते थे। आप जो हमारे पास पानी वगैरह उठाते हैं जो सेवादार रहते हैं उनसे पूछ लिए उनको मालूम है, कई बार हम संग पे ज्यादा टाइम लग जाता तो उन सेवा को पहले भेजे कि भैया आप ही खोद देना टाइम लग जाए, क्योंकि हम फिर वहां की कौन सा तीन सत्संग रोज होती थी और रात के 12 एक बज जाते थे तो वहां की संगत को भी देते, यहां जाके जंगलात में रुकते, रात के आसपास कोई गांव होता वहां संगत भी इकट्ठी होकर आ जाती थी तो उनसे बातें करते रहते थे। तो कई बार सेवादार जो अपने होते हैं तो वो भी वहां छोटा सा एक गड्ढा गहरा खोद करते थे। तो भाई इस तरह ये सबसे बढ़िया तरीका है इसमें, क्योंकि धरती माता में बहुत ताकत है, वो इंसान को हर तरीके से खुशी दे देती है। तो अब थोड़ा समय इसी तरह बैठी रहिएगा, फिर रहने का ख्याल जैसे सेवादार भाई बताया, सेवा करना आराम करना है, सोते जागते मालिक से दुआ करेंगे मालिक आपको खुशियों से नवाजे, पर रास्ते का पूरा पता करके ही आपने जाना होता है। कल को सत्संग है, टाइम शिफ्ट 9 से 12 सत्संग का टाइम है और जाम का आप देख लें, अगर जाम पीने वाले हैं क्या आप में से रूहानी जाम पीने वाले सत्संग हाथ खड़ा करें, काफी सात संगत है देख लेंगे या तो वहीं पे या फिर हाँ आश्रम में शाम की मजलिस अभी देखते हैं, तो रूहानी जाम भी आपको पिलाया जाएगा। तो अगर वहां ज्यादा पीने वाले हुए तो हाथ खड़ा करके वहां पता करवा लें, इंतजाम दोनों तरफ रखें क्योंकि वो तो चिल कर सकते हैं, वो खराब नहीं हुआ करता बर्फ डाल के, तो इस तरह से आप ये ध्यान रखें, पानी तो हर जगह है ही। तो भाई अब थोड़ा सा समय सज रहिएगा बैठे रहिएगा, एक प्यारी संग जियो मध्य प्रदेश के जो खास खास सेवादार जो सेवा करना चाहते हैं, जैसे 25 मेंबर या 25 मेंबर बहने, अगर वो सेवा कर सकते हैं तो अपना नाम माइक के पास आके दे सकते हैं। 25 मेंबर सेवादार स्टेट के हैं, मध्य प्रदेश के नहीं, तो मध्य प्रदेश के बनने जा रहे हैं, 7 बने 15 बने, वैसे 25 का होता है तो 7-15 भी जाते हैं। तो जो अच्छे पढ़े लिखे सज्जन हो सेवा कर सकें और महीने में कम से कम 7 दिन जरूर दे सकें सेवा के लिए, वैसे वहां के सेवादार तो 8-8 महीने देते हैं या एवरेज उनकी हो जाती, तो आप चलो जितना भी दे सके कम से कम 7 दिन, ज्यादा 15-21 दिन जो टाइम दे सके, ऐसा अगर कुछ सकता है भाई बहनों की तरफ तो यहाँ माइक के पास आके जुम्मेवार यहाँ रुकेंगे, आप रुकना है और
आप लोग वहां नाम दे दें ताकि आपकी वो ड्यूटी लगाई जा सके। उनका नाम यहाँ पच्ची में होगा कौश रखा गया है, तो शायद कौश ही है जी, तो आप वो यहाँ पे नाम सकते हैं। सबको आशीर्वाद। धन धन सतगुरु, मेरा ही आसरा। थोड़ी देर के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे। प्लीज एक दो जरूरी सूचना है, सभी ने प्रेम से बैठे रहना है जी। कृपया बैठे हैं।